यह एक अकाट्य सत्य है कि कोई भी फिल्मकार, अभिनेता व अभिनेत्री को तब सफल माना जाता है जब उसने सिनेमा के हर विधा में अपना परचम लहराया हो, अर्थात उसने जितनी धाक व्यावसायिक फिल्मों में बनाई हो उतना ही नाम कला फिल्मों में भी कमाया हो। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी ही एक तिकड़ी थी निर्देशक शक्ति सामंत, अभिनेता राजेश खन्ना और अभिनेत्री शर्मिला टैगोर की। साल 1969 में इन्होंने आराधना जैसी बेहद कामयाब व्यावसायिक फिल्म देने के बाद 1972 में एक काव्यात्मक कला फिल्म लेकर आए जिसका नाम था अमर प्रेम। आज के इस बेहद ही रोचक वीडियो में हम इसी फिल्म पर विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे इससे जुड़ी 15 खास अनसुनी बातें। यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स और शक्ति फिल्म्स के साझे सहयोग से बनी इस फिल्म के निर्माता व निर्देशक थे शक्ति सामंत। फिल्म की कहानी लिखी थी विभूति भूषण बनर्जी ने, पटकथा लिखा था अरविंद मुखर्जी ने तथा संवाद लिखे थे रमेश पंत ने। तकरीबन 2 घंटे 25 मिनट लंबी इस फिल्म को रिलीज किया गया था 28 जनवरी 1972 को तथा इसके प्रमुख, सहायक व मेहमान भूमिकाओं में नजर आए थे शर्मिला टैगोर, राजेश खन्ना, विनोद मेहरा, ओम प्रकाश, मदन पुरी, सुजीत कुमार, बिंदु, फरीदा जलाल, अवि भट्टाचार्य, सत्येंद्र कपूर, लीला मिश्रा, मनमोहन आदि। फिल्म अमर प्रेम अपने कालजयी गीत संगीत के लिए भी याद की जाती है जिनके बोल लिखे थे आनंद बख्शी साहब ने तथा धुन तैयार किया था राहुल देव बर्मन ने। फिल्म में कुल 6 गाने रखे गए थे जिनके बोल है डोली में बिठाई के कहार, रहना बीती जाए, चिंगारी कोई भड़के, कुछ तो लोग कहेंगे ये क्या हुआ और बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया। फिल्म के इन गीतों में अपनी मधुर आवाज दी थी सचिन देव बर्मन, लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। चलिए अब जान लेते हैं इस फिल्म से जुड़ी 15 खास अनसुनी बातें। फैक्ट नंबर 1, फिल्म अमर प्रेम साल 1972 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के 8वें स्थान पर रही थी। इसका कुल बजट था तकरीबन 60 लाख रुपए तथा इसने बॉक्स ऑफिस पर 1.5 करोड़ रुपए कमाए थे। इस लिहाज से फिल्म को सेमी हिट घोषित किया गया था। अब कुछ लोग ये सोचेंगे कि बजट की 2.5 गुनी कमाई करने के बाद भी यह सेमी हिट कैसे हुई। इसका जवाब यह है कि इस कमाई में डिस्ट्रीब्यूशन प्राइस भी शामिल होता है जिसे हम शुद्ध मुनाफे में शामिल नहीं कर सकते। गौरतलब है कि फिल्म अमर प्रेम राजेश खन्ना और शक्ति सामंत के जोड़ी की तीसरी फिल्म थी और उनकी पिछली दोनों फिल्में आराधना और कटी पतंग सुपरहिट रही थी। आराधना ने कुल 3 करोड़ रुपए की कमाई की थी, वहीं कटी पतंग ने 1.9 करोड़ रुपए कमाए थे। अमर प्रेम के साथ भी डिस्ट्रीब्यूटर्स की काफी उम्मीदें जुड़ी हुई थी जिस कारण फिल्म को महंगे दामों में खरीदा गया। इधर जिस बंगाली फिल्म की ये रिमेक थी वो बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। ऐसे में अमर प्रेम की कमाई उसकी उम्मीदों से कुछ कम रह गई और आराधना ही नहीं बल्कि कटी पतंग से भी कम कमाई की। कमाई कम होने के पीछे सबसे बड़ी कारण यह थे कि तब यह फिल्म छोटे शहरों और कस्बों में ज्यादा नहीं चल पाई और ज्यादातर सफलता इसे बड़े शहरों में मिली। बहरहाल बात करें साल 1972 के शीर्ष 3 कमाओ फिल्मों की तो पहले स्थान पर रही थी फिल्म सीता और गीता जिसने 3.25 करोड़ रुपए कमाए और ब्लॉकबस्टर कहलाई। दूसरे स्थान पर रही फिल्म पाकीजा जिसने 3 करोड़ रुपए कमाए और सुपरहिट कहलाई तथा तीसरे स्थान पर रही फिल्म राजा जानी जिसने 2.5 करोड़ रुपए कमाए और हिट कहलाई। फैक्ट नंबर 2, फिल्म अमर प्रेम साल 1970 में आई बंगाली फिल्म निशी पद्मा की आंशिक रूपांतरित रिमेक थी। हालांकि निशी पद्मा भी साल 1956 में प्रकाशित हिंगेर कचोरी नामक एक बंगाली लघु कथा पर आधारित थी जिसे लिखा था विभूति भूषण बनर्जी ने। मशहूर अभिनेता उत्तम कुमार और अभिनेत्री सावित्री चटर्जी की शीर्ष भूमिकाओं से सजी निशी पद्मा नामक इस फिल्म को जब शक्ति सामंत ने देखा तो उन्हें यह काफी पसंद आई और फिल्म के लेखक निर्देशक अरविंद मुखर्जी से कहा कि मैं इसे हिंदी में बनाना चाहता हूं और आप इसका हिंदी वर्जन लिखें। अरविंद मुखर्जी को हिंदी नहीं आती थी अतः उन्होंने पूरी स्क्रिप्ट अंग्रेजी में लिखी जिसे हिंदी में रूपांतरित किया फिल्म अमर प्रेम के संवाद लेखक रमेश पंत ने। फैक्ट नंबर 3, फिल्म अमर प्रेम को लेकर बंगाली, अंग्रेजी और हिंदी के बीच हुए इस भाषाई द्वंद का ही नतीजा रहा कि इसके मशहूर संवाद पुष्पा आई हेट टीयर्स का जन्म हुआ। वास्तव में अरविंद मुखर्जी के द्वारा लिखी गई अंग्रेजी स्क्रिप्ट को जब रमेश पंत ने हिंदी में अनुवादित किया तब उन्होंने इस संवाद को हिंदी में बदला लेकिन ये प्रभावहीन जान पड़ रहा था। ऐसे में उन्होंने इसे अंग्रेजी में ही रहने दिया जो आगे चलकर कालजयी बन गया। वैसे जानकारी के लिए बता दूं कि पूरी फिल्म में राजेश खन्ना के द्वारा बोला गया यह संवाद कुल 5 बार आता है। फैक्ट नंबर 4, निर्माता निर्देशक शक्ति सामंत ने अमर प्रेम में अपनी रचनात्मकता दिखाते हुए ओरिजिनल बंगाली फिल्म में कुछ बदलाव किए जैसे कि ओरिजिनल फिल्म में मुख्य नायिका का किरदार विशुद्ध रूप से वेश्या का था लेकिन शक्ति सामंत ने इसे बदलते हुए एक गायिका का बना दिया जो रहती तो वेश्याओं की गली में ही है लेकिन जीविकोपार्जन के लिए वो अपने ग्राहकों को गीत सुनाती है। यह भी बेहद दिलचस्प बात है कि शक्ति सामंत ने इस किरदार को तकरीबन मीरा जैसा आवरण देने की कोशिश की है जिस पर रहना बीती जाए श्याम न आए और बड़ा
नटखट हरे कृष्ण कन्हैया जैसे गीत फिल्म आए हैं। फिल्म में इस किरदार को संबोधित करते हुए आनंद बाबू अर्थात राजेश खन्ना एक संवाद भी बोलते हैं, तुमने इस कमरे को एक मंदिर बना दिया। फैक्ट नंबर 5, शक्ति सामंत शुरू में इस फिल्म के नायक के तौर पर राजकुमार को लेना चाहते थे, लेकिन जब यह बात राजेश खन्ना को पता चली तो उन्होंने शक्ति सामंत से कहा कि मुझसे कोई भूल हो गई क्या जो आप मुझे नजरअंदाज कर रहे हैं। इस पर शक्ति सामंत ने कहा कि इस वक्त आप इंडस्ट्री के सुपरस्टार हैं और मुझे लगा कि आप शायद ही एक वुमन सेंट्रिक फिल्म करना चाहेंगे। इस पर राजेश खन्ना ने कहा कि मैं हर हाल में यह फिल्म करूंगा, चाहे मुझे अपने अन्य फिल्मों के शेड्यूल में बदलाव भी करना क्यों ना पड़े। इस तरह से राजेश खन्ना ने अपने बिजी शेड्यूल में से रोजाना 4 घंटे देकर इस फिल्म को पूरा किया। यहाँ यह जानना भी बेहद रोचक है कि राजेश खन्ना ने इस किरदार को आत्मसात करने के लिए ओरिजिनल बंगाली फिल्म को 24 बार देखा था। फैक्ट नंबर 6, ओरिजिनल बंगाली फिल्म में उत्तम कुमार जी के द्वारा निभाए गए नायक के किरदार का नाम अनंत बाबू था, जिसे बदलकर अमर प्रेम में राजेश खन्ना ने आनंद बाबू करवा दिया। इस बदलाव के पीछे भी एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। वास्तव में अपने किरदार का नाम बदलने के लिए राजेश खन्ना ने इसलिए कहा क्योंकि इस नाम का उनका पिछला किरदार और फिल्म बेहद ही प्रसिद्ध रहा था और उनके दिल के बेहद करीब था। अब तक तो आप समझ ही चुके होंगे कि हम साल 1971 में आई उनकी कालजयी फिल्म आनंद की बातें कर रहे हैं। फैक्ट नंबर 7, फिल्म के लोकप्रिय गीत संगीत के क्या ही कहने, परंतु ऐसे गाने और धुन यूं ही नहीं बन जाते। कहते हैं कि फिल्म के संगीतकार राहुल देव बर्मन इसके गाने कंपोज करने के लिए सुबह 9 बजे अपने संगीत कक्ष में बंद हो जाते और वहां से रात्रि के 9 बजे बाहर निकलते थे। इसी का परिणाम है कि फिल्म के गाने आज भी इतने लोकप्रिय हैं। गौरतलब है कि इस फिल्म के लोकप्रिय संगीत के लिए राहुल देव बर्मन को उस साल के फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के लिए नॉमिनेट किया गया था, लेकिन दुर्भाग्य से वो ये अवार्ड शंकर जयकिशन से फिल्म बेईमान के लिए हार गए। इस साल बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के लिए राहुल देव बर्मन और शंकर जयकिशन के अलावा फिल्म पाकीजा के लिए गुलाम मोहम्मद और शोर के लिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल भी नॉमिनेट थे। यहाँ यह जानना बेहद दिलचस्प है कि शंकर जयकिशन को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के लिए अवार्ड मिलने पर प्राण साहब खासे नाराज हुए थे। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि प्राण साहब, जिन्हें इस साल बेईमान फिल्म के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर चुना गया था, उन्होंने पुरस्कार लेने से मना कर दिया क्योंकि वो इस बात से खफा थे कि उनकी फिल्म बेईमान को सर्वश्रेष्ठ संगीत का पुरस्कार मिला, जबकि उनका मानना था कि इस पुरस्कार की हकदार फिल्म पाकीजा थी। ये शायद विरले ही हुआ होगा कि कोई अपनी फिल्म के विरुद्ध इस तरह मुखर हुआ हो। इस घटना के बाद प्राण साहब और बेईमान फिल्म के मुख्य नायक मनोज कुमार की सालों पुरानी दोस्ती टूट गई और मनोज कुमार ने प्राण साहब को अपनी अगली फिल्मों में लेना बिल्कुल ही बंद कर दिया। यहाँ एक दिलचस्प बात यह भी बता दूं कि प्राण साहब वैजयंती माला के बाद फिल्म फेयर ठुकराने वाले दूसरे कलाकार बने। फैक्ट नंबर 8, असल में कलाकार को अपनी कलाकृति की प्रेरणा कभी भी और कहीं से भी मिल सकती है। ऐसी ही एक प्रेरणा फिल्म अमर प्रेम के गीत चिंगारी कोई भड़के के लिए आनंद बख्शी साहब को तब मिली जब एक बार वो शक्ति सामंत और राहुल देव बर्मन जी के साथ बम्बई के जुहू में स्थित सन एंड सैंड होटल में चल रहे एक फिल्मी पार्टी से बाहर निकले। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, ऐसे में तीनों अपनी अपनी कारों के आने का इंतजार करने लगे। अपने आदत अनुसार आनंद बख्शी ने झट से एक सिगरेट सुलगा ली और जलती हुई माचिस की तिल्ली को बारिश में फेंक दिया ताकि वो बुझ जाए। तिल्ली जैसे ही पानी में गिरी वो तुरंत ही बुझ गई और उसी पल बख्शी साहब के दिमाग में ख्याल आया कि चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, सावन जो अगन लगाए उसे कौन बुझाए। पास ही खड़े शक्तिदा को उन्होंने ये पंक्ति सुनाई जो कि उन्हें बेहद ही पसंद आई। ये वो समय था जब अमर प्रेम की शूटिंग लगभग खत्म हो चुकी थी और फिल्म एडिटिंग टेबल पर जा चुकी थी, लेकिन शक्ति सामंत को ये बोल फिल्म से इतने जुड़े हुए लगे कि उन्होंने अलग से इसकी शूटिंग करके फिल्म में जोड़ा और श्रोताओं को एक अमर गीत से रूबरू कराया। बताते चले कि इस गीत के लिए आनंद बख्शी को उस साल के बेस्ट लिरिसिस्ट और किशोर कुमार को बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर नॉमिनेशन मिला था। फैक्ट नंबर 9, इस फिल्म की अधिकतर शूटिंग तत्कालीन बॉम्बे स्थित नटराज स्टूडियो में हुई थी। अब आप कहेंगे कि इसके गीत चिंगारी कोई भड़के में तो हमें कलकत्ता स्थित हुगली नदी और हावड़ा ब्रिज के भी दर्शन हुए हैं, ऐसे में इसकी शूटिंग तो वहीं की गई होगी। वास्तव में इस गाने के दौरान हमें दृष्टि भ्रम होता है। इसके जिस फ्रेम में राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर दिखते हैं, दरअसल उसे नटराज स्टूडियो स्थित एक पुल में फिल्माया गया था तथा हावड़ा ब्रिज के दृश्यों को अलग से जोड़कर यह दृष्टि भ्रम पैदा किया गया, मानो दोनों हुगली नदी पर चल रही एक नाव में बैठे हों। यहाँ ऐसा भी नहीं है कि शक्ति सामंत इसे हावड़ा ब्रिज में फिल्माना नहीं चाहते थे, लेकिन उन दिनों राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर की लोकप्रियता इतनी थी कि हुगली नदी और हावड़ा ब्रिज पर लोगों को कंट्रोल कर पाना प्रशासन के लिए मुश्किल हो जाता, अतः स्थानीय प्रशासन ने शूटिंग की इजाजत नहीं दी। फैक्ट नंबर 10, फिल्म के एक अन्य लोकप्रिय गीत ये क्या हुआ की धुन और मुखड़े के बोल को राहुल देव बर्मन ने अपने ही बनाए एक बंगाली गीत से रीयूज किया था। इस गीत के बोल
रोल थे एक की होलो, जो कि साल 1967 में आई बंगाली फिल्म राजकुमारी में प्रयोग हुआ था। गौरतलब है कि इस बंगाली गाने को भी किशोर कुमार ने ही गाया था। इसके अलावा फिल्म के गीत डोली में बिठाई के कहार के धुन को आगे चलकर राहुल देव बर्मन ने अपने एक अन्य गीत मेरे साथ चले ना साया में भी कुछ आंशिक बदलाव करके रियूज किया। यह गीत साल 1977 में आई फिल्म किताब में सुनने को मिलता है, जिसके गायक सपन चक्रवर्ती ने तकरीबन सचिन देव बर्मन के स्टाइल में गाने का प्रयास किया था। फैक्ट नंबर 11, फिल्म अमर प्रेम साल 1971 के उत्तरार्ध में बनकर रिलीज को तैयार थी, लेकिन उन्हीं दिनों घटी एक घटना ने इसके रिलीज डेट को टाल दिया। दरअसल जब यह फिल्म बनकर तैयार हुई तो दिल्ली में इसका एक स्पेशल शो रखा गया और मुख्य अतिथि के तौर पर तत्कालीन सेना प्रमुख सैम मानेकशॉ को बुलाया गया, जो कि शर्मिला टैगोर के बड़े प्रशंसक और शुभचिंतक थे। कहा जाता है कि मानेकशॉ ने शर्मिला टैगोर और नवाब पटौदी की शादी में अपनी स्पेशल गाड़ी भी भेजी थी। खैर, दिल्ली में फिल्म के स्पेशल स्क्रीनिंग के अगले ही दिन भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू हो गया। नतीजन फिल्म के रिलीज को टालना पड़ा और यह अगले साल जाकर ही रिलीज हो पाई। फैक्ट नंबर 12, यह फिल्म शर्मिला टैगोर के लिए बेहद खास रही। इसमें उनके अभिनय की तो तारीफ हुई ही, अपितु उनके कॉस्ट्यूम्स ने भी एक अलग ही ट्रेंड को रिवाइव किया। फिल्म में उनके द्वारा पहने गए आर्म पफ्ड ब्लाउज को उस दौर की महिलाओं ने खूब पसंद किया और हर दूसरी महिला ने इसे कॉपी भी किया था। हालांकि यह स्टाइल कोई नया नहीं था, बल्कि 50 के दशक में अभिनेत्री देविका रानी कुछ ऐसा ही ब्लाउज पहना करती थी और उन दिनों भी यह काफी लोकप्रिय हुआ करता था। बताता चलूं कि यह फिल्म शर्मिला टैगोर के लिए इसलिए भी खास रहा क्योंकि अपने पहले बच्चे सैफ अली खान के जन्म के कारण एक लंबे ब्रेक के बाद उन्होंने फिल्मों में वापसी की थी। फैक्ट नंबर 13, राहुल देव बर्मन उन दिनों वेस्टर्न वाद्य यंत्रों से सजे तड़कते भड़कते गीतों के लिए जाने जाते थे और इनके गाने युवाओं के बीच खासी लोकप्रिय हुआ करते थे, लेकिन इस फिल्म में उन्होंने एक अलग ही चैलेंज लिया और एक से बढ़कर एक सेमी क्लासिकल और क्लासिकल गाने बनाए। फिल्म के लोकप्रिय गीत रहना बीती जाए शाम न आए पर गौर करें तो पता चलता है कि बर्मन साहब ने इसमें दो रागों का बेहद ही सुंदर ढंग से मिश्रण किया है। इस गाने के मुखड़े में राग तोड़ी का इस्तेमाल हुआ है, जबकि अंतरे में राग खमाज सुनने को मिलता है। बताते चलें कि राहुल देव बर्मन को यह गीत बनाने की प्रेरणा तब मिली जब उन्होंने अचानक अपने पिता के मुंह से एक बंगाली पंक्ति सुनी, जो कुछ यूं थी, बेला बोए जाए। फैक्ट नंबर 14, अमर प्रेम अपने दौर की एक बेहद साहसिक फिल्म मानी जाती है, जिसे सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार करता हुआ बताया गया, लेकिन इसके किरदारों में एक अलग ही विरोधाभास देखने को मिलता है। ये किरदार परिस्थितियों से लड़ते भिड़ते नहीं, अपितु उनके साथ बह जाते हैं। उदाहरण के लिए फिल्म में शर्मिला टैगोर के किरदार का पति दूसरी शादी कर लेता है, फिर भी वो अपने पति का विरोध नहीं करती, यहाँ तक कि उसे मार पीट कर घर से निकाल देता है, तब भी वो मौन रहकर मायके चली आती है। बाद में जब मदनपुरी का किरदार उसे चकले में बेच आता है, उस वक्त भी शर्मिला टैगोर का किरदार विरोध नहीं करता। ऐसा ही कुछ राजेश खन्ना के किरदार के साथ भी देखने को मिलता है। उसकी पत्नी उसे प्यार नहीं देती, अधिकतर घर से बाहर रहती है और यहाँ तक कि उसके आशिकों का फोन भी घर में आता है, जिसे स्वयं राजेश खन्ना का किरदार रिसीव करता है। इतना होने के बाद भी वो कभी अपनी पत्नी से सवाल नहीं करता और न ही कभी विरोध जताता है। इनके अलावा सुजीत कुमार का किरदार भी कमोबेश ऐसा ही है, जो अपनी दूसरी पत्नी के द्वारा अपनी पहली मृत पत्नी के बेटे के पीटे जाने पर भी कुछ भी नहीं कहता। फैक्ट नंबर 15, साल 1973 में आयोजित 20वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में अमर प्रेम को कुल 8 श्रेणियों में नामित किया गया था। ये नामांकन बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर, बेस्ट लिरिसिस्ट, बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर, बेस्ट स्क्रीन प्ले, बेस्ट डायलॉग और बेस्ट साउंड डिजाइन के लिए मिले थे, लेकिन दुर्भाग्य से यह केवल 3 श्रेणियों में ही विजय घोषित हुई। ये 3 अवार्ड्स बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए अरविंद मुखर्जी, बेस्ट डायलॉग के लिए रमेश पंत और बेस्ट साउंड डिजाइन के लिए जहांगीर नौरीजी को हासिल हुए थे। तो ये थी राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर की कालजयी फिल्म अमर प्रेम पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बेहद रोचक लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक व शेयर भी कर दें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल का बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद।